मेरा नाम है अक्षय जाधव। गार्डियंस, आज हम सीखेंगे कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से ब्रेल में लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर उठाएंगे और ये स्लेट बंद है, अब इसको मैं खोलूंगी। अब ये देखें, ये अंदर भी फ्रेम बना हुआ है और बाहर भी फ्रेम था। अब ये मैं लगाऊंगी इसके ऊपर वाली साइड पे। इसके ऊपर वाली साइड पे ही मैंने पेपर लगा लिया है। चूंकि ये पेपर मेरे पास छोटा है तो ये यहाँ तक आएगा कंप्लीट, लेकिन अगर इस बड़ा पेपर होगा तो ये नीचे वाले हिस्से को भी कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन आपने इसकी ये डायरेक्शन देखनी है कि ये चारों तरफ से आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी आप लोगों का ये लेवल आउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप स्लेट को बहुत ध्यान से, जो फ्रेम है बाहर वाला, उसको बंद करना है ताकि पेपर उसमें फिक्स्ड हो जाए। तो अब मैं फर्स्ट लाइन के फर्स्ट सेल में हूँ, तो अब मैं लिखती हूँ ए। तो ए इज वन, तो मैं फर्स्ट सेल में, ऊपर हमारे पास ए होगा, तो मैं फर्स्ट सेल में ऊपर की तरफ मैं डॉट वन प्रेस करूंगी तो वो मेरा ए हो जाएगा। ये मैं प्रेस कर रही हूँ। अब एक सेल छोड़ के मैं बी लिखूंगी। और राइटिंग आपने, जब आप स्लेट पे लिख रहे होंगे तो आपने राइट साइड से स्टार्ट करनी है। अब मैं एक सेल छोड़ के सी लिखूंगी, फिर एक सेल छोड़ के डी, फिर एक सेल छोड़ के ई, इसी तरीके से एक सेल छोड़ के एफ। इसी तरीके से आपने बाकी अल्फाबेट्स और बाकी राइटिंग करनी है। अब मैं पेपर को निकालूंगी स्लेट से और इसको मैं अब पलटूंगी तो मेरी जो राइटिंग है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। ए, और इसी के थोड़े से फासले पे बी, फिर इसी के साथ ही सी, डी। गार्डियंस, आज की वीडियो में हमने सीखा कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से ब्रेल में लिखवा और पढ़ा सकते हैं। मज़ीद किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।